गाइस एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे जायंट्स लाइक बिग बाजार, फ्यूचर रिटेल, रिलायंस ट्रेंड्स मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, एक ब्रांड है जो चुपचाप आगे बढ़े जा रहा है, अनडिफीटेड, अनस्टॉपेबल, डीमार्ट। हर बार जब आप एक डीमार्ट स्टोर में जाते हैं वो लोगों से भरा होता है, जो शेल्फ्स होते हैं वो फुल्ली स्टॉक्ड होते हैं, चेकआउट लाइन बहुत लंबे होते हैं, प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। बट यही तो असली सवाल है, डीमार्ट कैसे सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कर रहा है जबकि हैवी वेट्स सर्वाइवल के लिए भी लड़ रहे हैं। इन टुडेज की स्टडी वी आर अबाउट टू अनकवर द सीक्रेट बिहाइंड डीमार्ट एंड समझना चाह रहे हैं ऐसा क्या है जो डीमार्ट क्रैक कर लिया है बट बाकी नहीं कर पा रहे। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ कहानी चीपर प्रोडक्ट्स की नहीं है, एक बहुत ही अलग खेल है एंड वो खेल में जीतना जरूरी है। आइए देखिए। इमेजिन करिए 6-15% डिस्काउंट ऑन एवरीथिंग दैट यू बाय, सीम्स लाइक अ स्मॉल अमाउंट राइट, लेकिन इंडियन मिडिल क्लास के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा है। इट्स द काइंड ऑफ डिस्काउंट जो कि एक नॉर्मल शॉपर को एक डाई हार्ड लॉयल कस्टमर बना देता है। डीमार्ट फिगर आउट दैट इफ दे कुड ऑफर जस्ट 6-15% डिस्काउंट ऑन एवरी डे एसेंशियल्स, दे कुड कैप्चर द हार्ट्स एंड द वॉलेट्स ऑफ मिलियंस। एंड गेस व्हाट, यही उन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल, एक आशीर्वाद आटा 5 kg कॉस्ट ₹320 बट डीमार्ट में इट इज 280। नाउ दिस 40 rupees डिफरेंस माइट सीम माइनर राइट, बट फॉर द बजट कॉन्शियस फैमिलीज दिस काइंड ऑफ अ डिस्काउंट इज अ गेम चेंजर एंड डीमार्ट बिकम्स अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर देम एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। अब फॉर अ फैमिली दैट अर्न्स 10,000 rupees, ये छोटे छोटे डिस्काउंट एडिंग अप इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर बाय ऑलमोस्ट 30%। This strategy is simple yet deadly effective. Sell more at a lower margin. And इसी को बोलते हैं deep discounting. और यही है DMart का secret weapon जो कि उनका game changer बन चुका है। अब for any retailer, managing margins versus volumes is a bit difficult. But DMart ये balance ही नहीं करता है, दोनों को dominate भी करता है। कैसे? By moving inventory faster than its competitors. This high inventory turnover allows DMart to keep its products fresh, costs low, better negotiations with the vendors and suppliers, जिससे cost और भी low हो जाते हैं। So while other retailers are focused more on minor margin differences, DMart focuses more on volume. And in a country like India, जहाँ पे इतने सारे shoppers हैं जो कि budget conscious होते हैं, it's always better to make a higher volume sale as compared to a higher margin sale. Also, there's one more point. While its competitors have been racing to open new stores, DMart took a different approach, slow and calculated expansion. By 2020, DMart ke paas 220 stores the, a struggling Future Retail had 284 stores, jabki Reliance Retail ke paas the 11,000 stores. Ab aap soch rahe hoge DMart thoda backstep liya hua hai, thoda save kar raha hai, but here is the kicker. DMart ki strategy sirf slow growth hi nahi thi, profit bhi thi. Each new DMart store is chosen carefully with planning to make sure it starts making money immediately. But it doesn't stop there. DMart also made some genius real estate decisions, like opting for locations which were in tier 2, tier 3 towns and cities, jahan pe property prices lower thi, aur zyada budget sensitive consumers the, and competition bahut kam tha. Koi fancy malls nahi, koi high end neighborhoods nahi, nothing. Just cost efficient locations. बट इससे क्या बहुत मैटर किया, मैं बताता हूँ। इससे क्या हुआ कि व्हाइल मोस्ट रिटेलर्स रेंट देयर स्टोर्स, डीमार्ट एक्चुअली ओन्स इट्स स्टोर्स। नंबर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। इन 2017 फ्यूचर रिटेल स्पेंट 8% ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑन रेंट, व्हाइल डीमार्ट जस्ट स्पेंट 0.2%। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है, एंड ओवर टाइम इट एड्स अप टू ह्यूज नंबर सेविंग्स दैट डीमार्ट यूजेस टू स्लैश इट्स प्राइसेस इवन मोर। अब यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग का एक क्लासिक एग्जांपल है, जहां पे बाकी लोग सरवाइव कर रहे मुश्किल से बाय बर्निंग कैश ऑन रेंट्स, डीमार्ट इज बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। आपने एक और बात नोटिस की होगी, डीमार्ट के स्टोर्स कभी भी इतने फ्लैशी नहीं होते, सिंपल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके कस्टमर्स को मैटर ही नहीं करता फ्लैशी थिंग्स। उनके कस्टमर्स कौन हुए, बजट सेंसिटिव इंडियन मिडिल क्लास, जिनको कोई प्रीमियमनेस से मैटर नहीं करता है। एक सिंपल स्टोर चाहिए जहां पे वैल्यू मिल रहा है और वैल्यू फॉर मनी चल रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, डीमार्ट इज कैश फ्लो पॉजिटिव,
while others are racing behind trying to get venture capitalists and other loans. And ये सारा success story matter किया है क्योंकि it was the vision of the legendary Radha Krishnan Damani. DMart has maintained strong finances and sustainable growth, कोई high risk moves नहीं. And असली इससे हम लोग सीखने को क्या मिल रहा है? बहुत simple है. Be efficient, be valued, not flashy. यही secret sauce है which allowed DMart to build a successful empire while others have survived failure. In a world where businesses try to impress with flashy ads, high calls, brand ambassadors, DMart ke vasus kuch nahi hai, but simply apne customers ko samjhe and sahi value deliver. So the next time you visit a DMart store, mere ko batana ki kya ye sirf ek store hai, ye ek classic example of a successful business study hai. And mere ko comments mein batao kya janna hai agli baar so that I can cover it with my team, and I'll see you in the next video if you are subscribed. All the best.